आप धरना देने जा रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, हमने आज जो ऑल पार्टी मीटिंग थी गृह मंत्रालय की तरफ से, उसमें कई सवाल हमने पूछे। देश के अंदर जो माहौल व्याप्त है, जिसमें खासतौर से देश के अंदर 3.5 लाख मरीज हो गए हैं, तकरीबन 10,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, दिल्ली में भी वैसी परिस्थितियां, 36,000 से ज्यादा मरीज, 1200 से ज्यादा मौतें, हमने इनके सवालों के जवाब पूछे, इसकी जिम्मेवारी किसकी है? और हमने कहा है कि जिम्मेवार भारत सरकार है, देश का गृह मंत्रालय, जिसने आज 84 दिन बाद जगने का काम किया, वैसे केजरीवाल साहब जिम्मेवार है जो लगातार विरोध आवाज करते रहे, सिर्फ सरकार के बिहाफ पर प्रवक्ता के रोल पे काम करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे उन्होंने कुछ नहीं किया। जिसके मद्देनजर इन सवालों के जवाब जब तक नहीं मिलेंगे, इन सरकारों को जगाने का काम कांग्रेस का कार्यकर्ता करेगा। इसीलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इन सरकारों के खिलाफ कि आप केवल प्रेजेंटेशन देना बंद करिए, अब वक्त आ गया, इस संक्रमण के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाए तो जनता त्राहिमान हो जाएगी और शायद अपना संयम खो बैठेगी। कहाँ करेंगे धरना आप? हमने ये कहा है जनता के बीच में, हमने जो एक नारा भी दिया है जिसमें हमने कहा है कि जनता के बीच में अपनी अपनी दहलीज पर कानून का पालन करते हुए हर कार्यकर्ता अपने अपने घर, अपने निवास स्थान, जिसको दहलीज वर्ड यूज कर रहे हैं, कि जनता के बीच में अपनी अपनी दहलीज यानी अपने घर पर हम एक धरना देंगे और इस सरकार को जगाने का काम करेंगे जो सरकारें सोई हुई।